नमस्कार। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु थे? जी हां बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण को दुनिया के पहले मैनेजमेंट गुरु क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों, आखिर वाय? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज देख लो, इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज देख लो जहां मैनेजमेंट का कोर्स कराए जाते हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता के कोर्स कराए जाते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। क्यों, वाय, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? फॉरेन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, भारत की IIT, भारत के IIM, इन सब में गीता के कोर्स कराए जाते हैं। वाय? आखिर भगवान श्री कृष्ण अभी प्रेजेंट टाइम में मैनेजमेंट गुरु क्यों कहलाए? आज अपन जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के 8 ऐसे मैनेजमेंट मंत्र जो वाकई में जीवन जीने के लिए सिखाते हैं कि कैसे जीवन जिया जाए, कैसे लोगों के लिए प्रेरणा बने, कैसे आपके कोई काम रुकता है तो उसको कैसे निकालें, जीवन में कैसे आगे बढ़े। यह सब इतने वर्षों पहले, सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में बता चुके हैं। आखिर वो मैनेजमेंट मंत्र क्या है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, बड़ी बड़ी IITs में पढ़ाए जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं? वो मैनेजमेंट मंत्र आज अपन देखेंगे। आइए, नंबर 1, अपना कमिटमेंट पूरा करें। जब भगवान श्री कृष्ण ने वर्षों पहले इस धरती पर अवतार लिया था तो किस लिए लिया था पता है आपको? कंस का विनाश करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कंस की छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण बचपन में 11 वर्ष की आयु में नंदगांव माता यशोदा, सखा सखियां सबको छोड़कर मथुरा गए। किस लिए? अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए। उनकी अच्छी भली जिंदगी चल रही होती है, वो वृंदावन में आराम से रह रहे होते हैं अपने यार दोस्तों के साथ में, अपने सखियों के साथ में, और आराम से जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन उनको पता था कि मैं इस अर्थ पर किस लिए आया हूं और मुझे कौन सा कमिटमेंट पूरा करना है। उनको अपना कमिटमेंट याद था, इसलिए सभी ऐसो आराम छोड़कर मथुरा गए। वाय? कंस को मारना था। तो सबसे पहले आपको अगर मैनेजमेंट में कुछ सीखना है तो अपना कमिटमेंट पूरा करें। किसी भी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन, हमें अपने कमिटमेंट को ना भूलें। सोते जागते, उठते बैठते, बस अपने माइंड में अपना कमिटमेंट याद रखें, तभी आप यू कैन डू समथिंग इन दिस वर्ल्ड, अदरवाइज यू कांट डू नथिंग इन दिस वर्ल्ड। सेकंड, अपने ज्ञान को बांटा करो। आपके पास में अथाह ज्ञान का भंडार है, यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, बट यू कांट डिस्ट्रीब्यूट यूअर नॉलेज, यू कैन स्पॉइल योर नॉलेज। अगर आपने अपने ज्ञान को नहीं बांटा ना, तो आपका ज्ञान, आपका नॉलेज स्पॉइल हो जाए, खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना कि नॉलेज को जितना बांटो उतना डबल बढ़ता है, और नॉलेज को अपने पास रखोगे ना तो उतना ज्यादा घटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, अपने नॉलेज को बांटो। और उन्होंने सबसे पहले गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और फिर पूरे विश्व को दिया। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ नॉलेज था उनको, फिर भी उन्होंने अपने नॉलेज को बांटा और इस संसार को एक मैसेज दिया कि आपके पास जितना भी नॉलेज हो, जितना भी ज्ञान हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको बांटो, जितना हो सके बांटो, आपके उस ज्ञान में और वृद्धि होगी। थर्ड, लक्ष्य से कभी मत भटको। आपने कोई लक्ष्य डिसाइड किया है, यू हैव डिसाइड टू योर एम, यू शुड गो देयर। अगर आपने अपने कोई एम का, एम को डिसाइड किया, तो उस एम के प्रति आप भटको मत,
हजारों बुराइयां, हजारों रास्ते में मुश्किलें आएंगी। भगवान श्री कृष्ण का क्या अहम था? इस संसार में जन कल्याण करना, बुराई को मिटाना और नकारात्मक विचारों को खत्म करना, इस धरती पर आने का भगवान श्री कृष्ण का यह मकसद था। लेकिन क्या वो कभी इस मकसद से भटके? नो, नेवर, कभी नहीं भटके। वो हर पल हर सिचुएशन में अपने इस एम को याद रखा। तो यही इस मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि यू कांट फॉरगेट योर एम, आप अपना एम कभी मत भूलो। किसी भी कंडीशन में अपने एम को याद रखो तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। फोर्थ, रणनीति बनाकर काम करें। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कितनी रणनीति बनाई, आपने महाभारत तो अवश्य देखी होगी। पल पल हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने रणनीति बनाई। अगर वो रणनीति नहीं बनाते तो क्या पांडव युद्ध जीत सकते? नो, नेवर, दे कुड नॉट विन द वॉर, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बिना रणनीति के कोई काम नहीं किया जाता है। पितामह भीष्म को कैसे मारना है, गुरु द्रोण को कैसे मारना है, दुर्योधन को कैसे मारना है, हर जगह भगवान श्री कृष्ण ने रणनीति अपनाई और तभी अर्जुन सक्सेस हो पाए युद्ध जीतने में, पांडव सक्सेस हो पाए युद्ध जीतने में। अगर यह सब रणनीति भगवान श्री कृष्ण न बनाते, कर्ण से युद्ध कैसे जीता अर्जुन ने? अगर भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कवच और कुंडल नहीं लेते तो क्या अर्जुन कर्ण को हरा पाता? नो, नेवर। तो यही तो भगवान श्री कृष्ण की रणनीति थी। आप भी कोई भी मैनेजमेंट का वर्क करते हो, आप भी प्रेजेंट टाइम में कोई भी वर्क करते हो, बिजनेस हो गया, अपने घर का काम हो गया, कुछ भी आप एम लेते हो, उसमें रणनीति बना के काम करो। सिर्फ मेहनत से ही काम नहीं चलेगा, आपको रणनीति बनानी होगी। कैसे आपको आगे निकलना होगा, शाम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको रणनीति बनानी होगी, आगे निकलना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया कि मैनेजमेंट में आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको हर तरह से रणनीति बनानी होगी। लेकिन भगवान ने साथ में यह भी बताया कि गलत तरीके से रणनीति मत बनाना, किसी का अहित करके आप आगे मत बढ़ना। अगर किसी का अहित करके आप आगे बढ़े ना तो इन फ्यूचर में आपका विनाश तय है। फिफ्थ, संबंधों के आधार पर पक्षपात ना करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संबंधों के आधार पर अपने जीवन में किसी से पक्षपात नहीं किया, किसी से बायस नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण के दुर्योधन भी रिश्तेदार था और अर्जुन भी रिश्तेदार था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पे है और अर्जुन सही रास्ते पे है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने संबंधों के आधार पर पक्षपात नहीं किया। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, दोनों भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान दोनों को बराबर देते हैं, किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं देते, क्योंकि दोनों ही उनके रिश्तेदार होते हैं। वो जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पर है, अर्जुन सही रास्ते पर है, फिर भी उन्होंने दोनों का बराबर साथ दिया। लेकिन हमेशा वो धर्म के साथ खड़े रहे, संबंधों के आधार पर किसी से पक्षपात नहीं किया। तो आप भी मैनेजमेंट में ये ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में इस दुनिया में ध्यान रखना कि आप रिश्तों के आधार पर किसी से पक्षपात ना करना, सबसे बराबर रिश्तेदारी रखना, सबके लिए प्रेरणा बनकर उभरे। एक मैनेजमेंट गुरु में, एक लीडर में क्या गुण होते हैं? लीडर सबको साथ लेके चलते, सबकी प्रेरणा बनते हैं। जब भगवान वृंदावन में सारे वृंदावन के वासियों को इंद्र के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि इंद्र को घमंड आ गया, पूरे गांव वालों को वो लीडर बने, पूरे गांव वालों के प्रेरणा के स्रोत बने। तो एक लीडर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि सबके लिए प्रेरणा बनना, सबके लिए आगे आना, कुछ कार्य करना। तो एक मैनेजमेंट में यही सिखाया जाता है कि सबके लिए प्रेरणा बने, कभी अपने लिए नहीं सोचे, अपनी टीम के लिए सोचे और अपने टीम वर्क के लिए सोचे और अपने कंपनी के बारे में सोचे, अपने वर्क के बारे में सोचे और एक प्रेरणा बनकर उभरे। सेवन, हमेशा मृदु एवं सरल बने रहे। भगवान श्री कृष्ण हमेशा बिल्कुल एक विनम्रता रखी उन्होंने, जहां उनको कुछ करना था वहीं किया, वरना उनके पास इतनी बड़ी शक्ति थी लेकिन कभी उन्होंने अपने शब्दों का गलत प्रयोग नहीं किया। महाभारत में कांड में देखा होगा, शिशुपाल
शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को कितनी गालियां देता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको 100 बार माफ किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां शांति से काम चले वहां चलाओ, लेकिन जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाए तो फिर शस्त्र उठाओ। और यही हुआ महाभारत में, अभी भी प्रेजेंट टाइम में यही सीख दी जाती है लोगों को कि जहां जितना संभव हो सके, पॉसिबल टू पॉसिबल, शांति से काम चलाइए, लेकिन जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाए ना, तब आप भी कुछ अलग कर सकते हो। लेकिन जब तक शांति से बात हो रही हो ना, तो शांति से बात करें। और आज का भी यही है मैनेजमेंट का रोल, यही पढ़ाया जाता है कि शांति से अपना काम निकलाएं, एट अहंकार ना करें। पता है आपको, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे तो 1 सेकंड में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे, दुर्योधन को 1 सेकंड में खत्म कर सकते थे और अर्जुन को ये राजपाट दे सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी अहंकार नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के पास में सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र से वो सारी महाभारत में कौरवों की सारी सेनाओं को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जीवन में आपके पास कुछ भी हो, कितना ही बड़ा कुछ आप बड़े न बन जाओ, जीवन में कभी अहंकार मत करना। जिस दिन आपने जीवन में अहंकार किया, उस दिन आपका पतन शुरू। यही तो भगवान श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि जीवन में कभी अहंकार मत करना। तो ये 8 बातें, 8 मैनेजमेंट मंत्र आज आपने पढ़े हैं। यही मैनेजमेंट मंत्र बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़ी बड़ी IITs में पढ़ाए जाते हैं। आज के समय में यह मंत्र बहुत ही उपयोगी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को विश्व का सबसे पहला मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है इसके कारण।